हमारा यह कोया अपने दर्शन का और तीसरा दिवस चल रहा है साथियों, जिसमें सुबह की प्रथम चरण में गोंगो होती है और दूसरे चरण में हमारा कोया प्रेम सतमार्ग दर्शन का यहाँ पर सार बताया जाता है। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम तीसरे दिवस में दूसरे चरण में और हमारा गोंगो के पश्चात अब हमारे कोया प्रेम दर्शन की ओर लिए चलते हैं। तो सबसे पहले इस ग्राम नारनगर की सर्वश्रेष्ठ धरती धरादाई को कोटि कोटि वंदन सेवा नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। हरे नारनगर की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ, दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ और खेर फूट के पेण शक्तियाँ, देव दिवाला, राजगादी और देवगादी, समस्त पेण शक्तियों गादियों को कोटि कोटि बंधन सेवा जोहार नमन करता हूँ। साथियों, सेवा जोहार नमन करता हूँ 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख झाड़ी में दृश्य और अदृश्य शक्तियों का सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार करता हूँ 7 समुंदर 16 धर्म विराजमान समस्त शक्तियों को, और सेवा जोहार करता हूँ मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और दुर्गा का दर्शन कराया, ऐसे महान मेरे माता पिता के चरणों में सत्सत नमन कोटि कोटि बंधन सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ यहाँ के चुनौटिया धाम बंकागढ़ वाले दादाजी को, जिनके सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, सेवा जोहार नमन करता हूँ। और सेवा जोहार करता हूँ यहाँ की पावन चुनौटिया धाम की भैया और वहाँ की दाई को नमन करते हुए कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ हमारे अखिल कोया प्रेम उनका संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा रावीण शाह इनवाती, महाराष्ट्र पौनी निवासी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, सेवा जोहार। और सेवा जोहार करता हूँ हमारे उप अध्यक्ष राष्ट्रीय दादा उइके जी, जिनको जय सेवा गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, प्रदेश के मुखिया, आपको भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार नमन करता हूँ। और अखिल कोया प्रेम भूमिका संस्था के दादा 750 महात्यागी धनवंतरी लिंगो दादा साजवा दरबार, उनको भी कोटि कोटि वंदन है, सेवा जोहार नमन करता हूँ। और सेवा जोहार करता हूँ यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष माननीय आदरणीय नारायण सिंह मरावी जिला दमोह से, जो हमारे यहाँ के जिला उपाध्यक्ष हैं, कोई अपने भूमिका संघ के अध्यक्ष हैं, उनको भी सेवा जोहार करता हूँ। और सेवा जोहार करता हूँ उन्हीं की नाम राशि दादा मरावी नारायण जिला दमोह से, कलेक्टर साहब को मेरी ओर से सेवा जोहार वंदन है, कोटि कोटि नमन है। और सेवा जोहार करता हूँ हमारे प्रदेश के अखिल कोया प्रेम भूमिका संघ के सचिव भाई धर्म साहब उइके जी, जो वैद्यराज के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन कर देंगे, जो जिला सिवनी ब्लॉक छपारा ग्राम जूना पानी रैयत से चलकर बंजर से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको भी सेवा जोहार। सेवा जोहार करता हूँ मेरे बाजू में बैठे हमारे अखिल कोया प्रेम भूमिका संघ के और जिला सचिव भाई बबलू मरावी जी, जो हमको हर बार साथ देते हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। और सेवा जोहार करता हूँ 5 घट कलश ज्योति में हमारे राजा रानी के रूप में, जो 5 दिन के लिए सेवा में बैठे, ऐसे
हमारे राजा रानी के लिए भी कोटि कोटि बंधन सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। हमारे छिंदवाड़ा जिला से चल करके आई श्याम भाई ध्रुवे की, उनको भी सेवा जोहार, कोटि कोटि बंधन है, सेवा जोहार। हमारे यहाँ पर विराजमान समस्त भूमिका गुरु बैठे हैं, उनको भी कोटि कोटि बंधन सेवा जोहार। और हमारे इस कोयापने में संगीत में साथ देने वाले हमारे महान कलाकार, हमारे बाजू में गोंडी गीत गायक भाई संजय कुमरे जी, जिनको यूट्यूब के माध्यम से आप सब लोग देखते हैं, सुनते हैं और की पेट पर अपना वादन करते हैं, ऐसे हमारे कलाकार के लिए जोरदार तालियों से वादन। उनके बाजू में फिर हमारे ढोलक पर हाथ फेरने वाले, ढोलक पर साथ देने वाले भाई श्याम उइके जी, उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिवादन कर देंगे। और पेड़ पर साथ देते हैं भाई हमारे मनीष भलावी जी, इनके लिए भी तालियों से अभिवादन करेंगे। और हमारी समस्त सगा समाज मात्र पितृ शक्ति और जो हमारे इस कोया प्रेम में यहाँ श्रवण करने आए हैं, जो इधर उधर मेले में घूम रहे हैं, सभी दुकानदार और सभी जो यहाँ आए हुए अतिथिगण हैं, सबको मैं कोटि कोटि बंधन से वजहार करता हूँ। और समस्त सगा समाज को नमन करते हुए सब अपने दोनों हाथों से जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे अपने स्वागत के लिए, ऐसी कामना करता हूँ। सभी को मेरी ओर से जय सेवा जोहार है, कोटि कोटि बंधन है। और हमारे पेनवासी दादा जिन्होंने हमको इतिहास दिया, वो है दादा मोतीरावण गंगाली, जिन्होंने हमको आज यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे पेनवासी दादा के चरणों में कोटि कोटि बंधन सेवा जोहार। और सेवा जोहार करूँगा मैं हमारे साउंड को बजाने वाले भाई साहू जी के लिए, जोरदार तालियों से अभिवादन कर देंगे कि वो कितना अच्छा साउंड बना है। और सेवा जोहार करता हूँ हमारे छिंदवाड़ा जिला से चलकर आए हुए भाई राकेश वर्मा जी, जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी कि हमारा चैनल को बना रहे हैं, मैं उनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करना चाहूँगा। और सभी को मेरी ओर से लिंगो आसन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो बड़ा पेन बड़ा दो की कृपा से आप लोग यहाँ तक पहुँचे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो कोया प्रेम के दर्शन करने और अपने जीवन को धन्य करने के लिए यहाँ तक आए हैं। साथियों, आप सभी को लिंगो आसन की ओर से यानी कमल साय ध्रुवे जी की ओर से हाथ जोड़कर सबको सेवा जोहार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी को सर्वप्रथम हम उस परम शक्ति फलापेन का गुणगान करेंगे और तालियों से अभिवादन करते जाएंगे और संगीत बजेगा साथ में। साथियों, तो लीजिए हम संगीत की दिशा पर चले, यानी गुणगान करते हुए आगे की कथा सार में चलेंगे। ध्यान करना, उनका गुणगान करना, साथियों समस्त कोई सगा समाज हमारी उस शक्ति को याद करते हैं। और वो कैसे करते हैं, सभी लोग उनका गुणगान करेंगे। कोई तो सगा समाज के लिए मैं कहूँगा,
सुमरो सुमरो रे गोया है कोई तुझसे का समान सुमरो अरे भजलो सुमरो सुमरो रे गोया सुमरन करो सभी We'll be right back.
दुनिया को बनाने वाला वह प्राकृतिक शक्ति खड़ा पैन स्वे निराकार है, जिसका रूप रंग नहीं आकार नहीं है। साथियों सृष्टि के बड़ा देव दियर जीव जंतु आधार, सृष्टि के बड़ा देव दियर जीव जंतु आधार, मात शक्ति दान दिदारी पितृ शक्ति सरदार, मात शक्ति दान दिदारी पितृ शक्ति सरदार। बोली प्राकृतिक शक्ति फड़ा फेनता समर्थि फड़ा पीन, जय सजोर पीन महादेव परम शक्ति, फड़ा पीन बड़ा देव बुढ़ाल पीन लिंगो जंगो कंकालीन दाई खेर दाई, निवास रण ते मावा संकट बाधा विघन हरैया, और नाम नगर वाली मैया केरी पड़ो प्रेम से पैया, माता काली के रणचंडी के और गढ़ जबलपुर की मैया, माता देवी मुंडी माल के अरे पार लदई और नैया। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ाओ बेनिता की बात, देव वंदना की बात। और अब लीजिए हम कोया अपने शतसार मार्गदर्शन की ओर चलते हैं। कैसे उस अनादि शक्ति पंचतत्व प्राकृतिक शक्ति फड़ापे देव देव महादेव बाबा और कालांकों को काटने वाली उदाई कली कंकाली रायतार जन्मोदाई और क्रांति की देवी रायतार जंगोदाई, आपके चरणों में कोटि कोटि बंधन से जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना मेरे मन मंदिर में, जिससे मैं इस भैया में समस्त जीव के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें बता सकूं, ऐसा ज्ञान देना। हे शक्तियों, हे बाबा महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि बंधन नमन शिव जोहार करता हूँ। प्रिय सज्जनों, अभी आप लोगों ने कई दिनों से और अनेक प्रकार के पुराणों का श्रवण किया, यानी ज्ञान आपको उन चीजों में इतना अच्छा है कि आपसे कोई पूछता है तो आप जल्दी से जल्दी बता देते हैं। लेकिन आप लोगों को हमारी पुनेम के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये पुनेम क्या है और पुनेम किसे कहते हैं और पुनेम का क्या अर्थ निकलता है, इसके बारे में अनेक गुरुओं के मुख से आपने सुना होगा कि उनका गुरु बताता है कि उनके भगवान के माता पिता वो थे, उनके दाई दादा वो थे। लेकिन हमारे में नहीं किसी ने बताया कि ये
ये खोया पने में क्या है, उसमें नहीं दिया। इसलिए अब हमें उन सत्य मार्ग बताने वाले गुरुओं के द्वारा साहित्य और लेख मिला, जिसके बलबूते से आज हम यहाँ तक पहुँचे, और उनकी सत्य कथा को अब हम हमारे ही मंचों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, यानी गोंडी को अपने हम दर्शन कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों, आप लोगों ने अनेक प्रकार के ग्रंथ सुने, अनेक प्रकार के पुराण सुने, भागवत पुराण सुना, शिव पुराण सुना, महाभारत सुना, दुर्गा पुराण सुना, रामायण गीता सब कुछ सुना, लेकिन उन रामायण गीता पुराणों में हमारी कुया पुनेम के बारे में कुछ बताया नहीं गया, इसलिए आप लोगों को जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें उल्लेख नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। साथियों, उसी जानकारी को बताने के लिए और उसका निचोड़ है कोया पुनेम का शक्तिसर मार्गदर्शन। उसको हमारे कोया पुनेम में कहा जाता है कि जैसे उसका अर्थ हुआ कि कूक है, कोया अने कूक है, पुई अने नेम, को या पू या नेम, कोया पुनेम बना। इन्हीं अक्षरों से अलग 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 इनको हम करें, इनका अर्थ भी अलग अलग हम निकालें, तो कोया अने कूक होता है और खोक भी होता है, खोक यानी कंदरा, और पेड़ों का खोक ऐसा खोकड़ जो बना होते हैं ना, वो भी कहलाते हैं। इसी प्रकार माँ का जो कूख भी होता है वह भी खोक की तरह होता है, कूख, कूख यानी कोया का मतलब हुआ कूक से जन्म लेने वाली कोतुर सगा समाज के लिए सत्य मार्ग या रास्ता। मार्ग किसे कहते हैं? रास्ता को मार्ग कहते हैं, जिस रास्ता से हम चलते हैं उसको मार्ग भी बोलते हैं, और अपनी साधारण बोली में तो इसको गली भी बोलते हैं, अब रोड भी और सड़क भी बोलते हैं, लेकिन वह है बात नहीं। ये नियम और धर्म से चलने का रिवाज कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवाज। जैसे कोया यानी कूक, पुई यानी सत्य, गोंडी शब्द, गोंडी भाषिक शब्द कहलाया है। कोया यानी कूक से जन्म लेने वाली समाज के लिए सत्य मार्ग। तो कूक से किसका जन्म होता है? कोई तुर सदा समाज का ही अकेले के होता कि सबका ही होता है? किसने लोगों को पता है कि कूक से कोई तुर यानी गोंडों का जन्म भर होता है करके, तो गोंडों को कोई तुर कहा गया है ना। तो इसका मतलब हुआ कि कोया यानी कूक है, कोया यानी कूक है, और पुई यानी नेम, यानी पुई यानी सत्य, और नेम यानी धर्म या मार्ग, उस रास्ता से चलने का यह सत्य मार्ग कहलाया। कोया पुनेम का मतलब ये होता है। लोग बाग कहते हैं कि ये कोया पुनेम क्या है, उसी का अलग अलग विस्तार करके यहाँ पर बताया गया है कि कोया यानी कूक है और पुई है, कोया इसके बाद पुनेम आता है, कोया पुनेम, तो कोया यानी कूक और पुई यानी नेम यानी कि सत्य, और नेम यानी धर्म, आखिर में नेम आता पुनेम आता है। इस प्रकार से यह कोया पुनेम का मतलब होता है कि कूक से जन्म लेने वाली समाज के लिए सत्य मार्ग से चलने का नियम, सत्य मार्ग पर चलने का नियम या धर्म, इसलिए इसको कोया पुनेम कहा गया, और इसी को हम सत्य मार्ग दर्शन कहते हैं। अब सज्जनों, आपको कोया पुनेम को समझने में एक नया सा विषय तो लगता होगा, लगता होगा, क्योंकि आप लोगों ने कोया पुनेम को बार बार सुना ही नहीं है, बिल्कुल नया लगता होगा कि ये कोया पुनेम क्या है। तो उसी के बारे में हमने आपको
अलग अलग करके बताया, लेकिन क्या विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है, क्या गौंड ही लोगों का जन्म कुक से हुआ होगा और अन्य वर्ग के लोगों का जन्म कहाँ से हुआ होगा? तो फिर इस पर चिंतन करना पड़ेगा, विचार करके देखिए आप। हम कोयाबंशी कहलाए कि हम कुक से जन्म लिए, लेकिन कोयाबंशी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी निवास करते वो सारे के सारे कोयाबंशी कहलाएंगे, क्योंकि सभी का जन्म कुक से होता है, तो वो कहाँ से अलग हुए? लेकिन भेद करते हैं लोग, क्योंकि भेद नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि कुक है अनेक कुक के होता है और कुक से जन्म सभी का होता, अपने अपनी माता पिता अपनी माँ की कुक से सभी का जन्म हुआ। तो हम समझते हैं कोई भी समाज का हो, एसटी हो, एससी हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, सभी का जन्म अपनी ही माँ की कुक से हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ भाई? किसी का जन्म और कहीं से तो नहीं हुआ होगा, सभी का जन्म माँ की कुख से ही हुआ होगा ना। तो फिर हम सबके सब क्या कहलाएंगे? कोयाबंशी कहलाएंगे ना। इस प्रकार से मेरे बंधु, यह हमारा कोया प्रणेम कहलाता है। अर्थात मेरे बहन भाइयों, सभी समाज के लोगों का जन्म कुख से ही होता है, चाहे वो एसटी एससी के ओबीसी कोई भी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों का जन्म अपनी माँ की कुख से जन्म होना माना गया है, कोई अन्य जगहों से पैदा नहीं होता। इसलिए हम समझते यहाँ के जो वर्ग के लोग हैं सभी कोई तुल कहलाते, कोया वंशी कहलाते हैं, ये कोया प्रणेम कहलाता है। इसी का नाम है कोया प्रणेम सतमार्ग दर्शन। सगाजनों, सभी प्राकृतिक शक्ति को ही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चाहे वो कोई भी समाज का हो, प्राकृतिक शक्ति किसे कहते हैं और प्राकृतिक है क्या, इसके बारे में भी हमको समझना चाहिए। प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, जिसका आकार और प्रकार को हम कोई नहीं नाप जोक सकते, उसका नाप जोक नहीं है, अनंत है, उसको नापने का कोई औजार ही नहीं बना है, वो स्वयं अपने आप को नापती है और अपने आप को तौलती है, अपने आप को बना लेती है और अपने आप को बिगाड़ लेती है, वो है प्राकृतिक शक्ति, जिसे हम फड़ापेन के रूप में या फड़ापेन कह करके और सेवा जुहार करते हैं। फड़ा यानी गोंडी भाषिक शब्द होता, फड़ा यानी बड़ा, जो सबसे बड़ा हो दुनिया में, फिर उससे आगे कोई चीज बड़ी ना हो, वह फड़ापेन, वह बड़ा देव कहलाता है, वही बड़ा देव फड़ापेन का हम गुणगान करते हैं और फड़ापेन सेवा सेवा करते हैं। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, उसी शक्ति के नाम पर हम जो जयकारा करते हैं और उसको फड़ापेन कह करके और उनका याद करते हैं। अब फड़ा बड़ा में कितना अंतर आएगा, इस पर भी हमको चिंतन करना पड़ेगा। फड़ा यानी सबसे बड़ा, और उसी को हमारे लोगों ने कह दिया बड़ा। बड़ा देव की शक्ति बड़ी अपार है, चीन सके न कोई और नैन टोपरा कुमत बसी, तो फिर दरस कहां से होए, उसकी महिमा को कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो तो सारे जीव आत्मा में, सारे कड़कड़ में, सारी वनस्पतियों में, सारे तालाब और नदियों में और समुद्र और गंगा नर्मदा में, वही प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन है, जिसका कड़कड़ में हम बास कहते हैं, वही प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन कहलाता है। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, उस प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का हम और गुणगान करते हैं, तो हम कोतुर सगा समाज को मानना चाहिए कि प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन कौन है, जिसे हम याद करते हैं, वह है पांच तत्व। फड़ा यानी बड़ा
और इनसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में, और समस्त जीव प्राणियों का संचालन करता, सृष्टि का रचयिता, दुनिया को बनाने और बिगाड़ने वाला वही फड़ापेन। फड़ापेन कहते हैं जो बड़ा दो भी कहना प्रारंभ कर दिए लोगों ने, उसी शक्ति का नाम है आदि शक्ति फड़ापेन। इस प्रकार से भगवान के रूप रंग बने, उसे हम कहेंगे भू बने, भूमि, गा यानी गगन यानी आकाश, वा यानी वायु, और आमे वामे उसी में एक डंडी लगी है तो आ आ छोटे शब्दों में आई तो अग्नि, और आखिर में नी ना अने भगवान में आखिरी शब्द आया ना, तो ना से नीर अने पानी, और गोडी में एर कहते हैं। इस प्रकार से हमारे बुद्धिजीवियों ने उस परम शक्ति फड़ापेन का विकराल रूप को माना है, वही फड़ापेन का जो हमारे रग रग और रोम रोम में पास करने वाला है, जिसे हम फड़ापेन कहते हैं। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का। इसी बात को अगर हम बताते हैं तो हमारे ही लोग अंधविश्वास में मानने को तैयार नहीं होते, कहते हैं भगवान तो और कोई है। अरे हाँ भगवान है, हम किन्हीं भगवान को नहीं कहते कि भगवान नहीं है। साथियों, भगवान हम उसे ही कहते हैं जो हमको सब कुछ देता है, लेता नहीं देता है, उसे हम भगवान कहते हैं। भगवान वह है धरतीदाई, जिसने हमको जीवन यापन करने के लिए सारी सृष्टि में पेड़ पौधों की रक्षा करती है, जीव जंतुओं की रक्षा करती है, और समस्त प्राणी धरती माता के ऊपर विचरण करते, तो सबसे बड़ी माता धरतीदाई, ये भगवान का स्वरूप है। उसी में अन्न जल उपजता है, जिसके खाकर पी करके हमारा जीवन चलता है, वही हमारा भगवान कहलाता है। कहलाते कि नहीं कहलाता। अब हम मान लीजिए पांच तत्वों की व्याख्या करते हैं, तो पांच तत्व भगवान है, तो हमारे शरीर में पांच तत्व है कि नहीं? सबके शरीर में पांच तत्वों का आवरण जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी जीव हो, क्योंकि पांच तत्वों से ही सबका जीवन चलता है, और ये तत्व सारे प्राणियों के अलावा और भी ऐसी प्राकृतिक शक्तियां हैं, वन में, पेड़ों में, ये सारी जुड़ी हुई है, ये अलग नहीं है, जो सबका जीवन को और उनको शक्ति प्रदान करती है, उन्हीं शक्तियों को फड़ापेन बड़ा दो कहते हैं। अगर हमारे शरीर में हवा ना रहे, हवा निकल जाए, तो क्या हमारा शरीर बचेगा? फिर नहीं बचेगा, तो फिर क्या बचेगा? हमारा शरीर एक मिट्टी की तरह बचेगा, जमीन की तरह बचेगा क्यों नहीं? हमारे शरीर से रोशनी चली जाए हमारी आंखों की, तो यही तो अग्नि है, तो हम अंधे हो जाएंगे, हमको कुछ नहीं दिखेगा। हमारे शरीर से अगर पानी शक्ति कम हो जाए, तो तब भी हमको मरना पड़ेगा ना, कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे शरीर से जो भी ऐसी शक्ति हमको ऊर्जा देती है, वो सारी शक्तियां बड़ी कहलाती हैं, उन्हीं को हम पांच तत्वों के रूप में मानते हैं, और उन्हीं को हम फड़ापेन कहते हैं। ये शक्ति बड़ी है, इनसे बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। लेकिन सच बताने वाले को लोगों ने झूठा मान लिया, कि ये सच कहने वाले झूठ, क्योंकि ये सत्य नहीं है, भगवान और कोई है, भगवान के हाथ पैर नाक कान होना चाहिए, और उन्हीं ने कह भी दिया है कि
कि भगवान के हाथ पैर कान नहीं, बिन पग चलही सो नहीं बिन काना। बिन पग यानी बिना पैर के भी जो जो चलता है वह भगवान है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि वही भगवान है। धरती के किसी ने पैर देखे हैं अभी तक? और धरती फिर भी चलती है, विज्ञान संगत है कि नहीं? विज्ञान कहता है कि धरती चल रही है, तो धरती कैसे चल रही है? ऐसी घूम रही ना, सीधी परिक्रमा कर रही है। हाँ, तो जब धरती चलती है तो पैर तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम इसलिए उसको कहेंगे कि बिन पग। बिन पग है ना, बिना पैर वाली चीज, और चलती है, दौड़ती है और देखती भी है। वह कौन सी शक्तियां हैं जो चलती है, देखती हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते उनका? अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि ये धरती घूम रही है, लेकिन हम अपनी जगह पर स्थाई हैं। जैसे वो घूमती होगी, वैसे हम पूरे घूम रहे हैं, लेकिन हम अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अलग से कोई चक्र बनाया जाता और उस पर हम बैठ जाते और घूमने लगती हुई, तब हमको लगता कि ये चीज घूम रही है और हम उस पर बैठे, मगर ऐसा नहीं है। तो इसी को कहा गया है, बिन पग चलही सुनही बिन काना, बिन कर खेल करही विधि नाना। कई प्रकार के खेल करने वाली यही शक्ति को फड़ा पहन कहते हैं मेरे बंधु, क्योंकि ये ऐसी शक्ति है फड़ा पहन। जैसे एक हवा जब चलती है तो बड़े बड़े जंगल पहाड़ों को मिटा देती है, बड़े बड़े झाड़ों को तोड़ देती है, इतनी बड़ी ताकत दिखाती है, तो इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है।